भारतवर्ष में सड़कों एवं राज्य मार्गों का एक विकसित नेटवर्क है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 50 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल फैला हुआ है, जो विश्व में दूसरा स्थान रखता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक्सप्रेसवे निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत सरकार के इस दूरदर्शी निर्णय के महत्व को सही अर्थों में पहचानते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाने का निर्णय लिया गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश को पूरे देश में एक्सप्रेसवेज के निर्माण में प्रथम पायदान पर स्थापित कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तीव्र गति से जमीन पर साकार रूप ले रहा है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चांद सराय गांव से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर के हैदरिया ग्राम पर समाप्त होगा। 22,494 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहे इस 340.82 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे को 6 लेन का बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में 8 लेन किए जाने की व्यवस्था भी की गई है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्बाध गति से चलने में सक्षम होंगे और लखनऊ से गाजीपुर की दूरी मात्र 4 घंटों में तय कर ली जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 दीर्घ सेतु, 118 लघु सेतु, 271 अंडरपास तथा 503 पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण से उत्तर प्रदेश का अब तक विकास की मुख्य धारा से वंचित पूर्वी क्षेत्र न केवल प्रदेश की राजधानी से जुड़ेगा, अपितु आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे व यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी से भी एक तीव्र गति और निर्बाध कॉरिडोर से जुड़ते हुए व्यापार एवं पर्यटन की असीम संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस एक्सप्रेसवे का 74% से अधिक भौतिक निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें मिट्टी का कार्य 96%, सब ग्रेड का कार्य 82%, GSB का कार्य 80%, WMM का कार्य 76%, DBM का कार्य 74%, बिटुमिन्स कंक्रीट का कार्य 50% तथा संरचनाओं का कार्य 92% पूर्ण कर लिया गया है। यूपीडा की टीम द्वारा युद्ध स्तर पर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है। 340.82 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रतिवर्ष लगभग 17 लाख रोजगार सृजित हो रहे हैं, जिसमें 1,50,000 तकनीकी, 4,70,000 स्किल एवं 11 लाख सेमी स्किल्ड मैन पावर शामिल है। इसके साथ ही एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट, स्टील, निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली मशीन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन केमिकल इंडस्ट्री, बिटुमेन इंडस्ट्री को भी प्रचुर बढ़ावा मिलेगा।